आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं राजकिरण हूं आपके साथ। और इंदौर के पश्चिमी रिंग रोड बनाने को लेकर आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने पत्रकारों से चर्चा की। इंदौर विकास प्राधिकरण की बैठक में उन्होंने कहा कि इंदौर में पश्चिम रिंग रोड योजना पुरानी है। फिलहाल आईडीए ने स्कीम डालने के लिए कहा है और आईडीए ही जमीन उपलब्ध कराएगा जिसमें राशि एनएच द्वारा दी जाएगी। साथ ही इस दौरान आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने कहा कि पश्चिमी रिंग रोड के लिए जमीन आईडीए उपलब्ध कराएगा, जिसमें आईडीए ने आग्रह किया है कि उस रोड में अधिक से अधिक शासकीय भूमि का उपयोग होना चाहिए, इसलिए अलाइनमेंट में विचार करने की बात कही है। इससे किसानों को कम नुकसान होगा और यदि ये प्रक्रिया पूरी होती है तो आईडीए उसकी प्रक्रिया शुरू करेगा। आपको बता दें कि आईडीए अध्यक्ष ने कहा कि 2018 के नियम के आधार पर किसानों को लाभ दिया जाएगा। फिलहाल सरकारी भूमि को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने की योजना बनाई जा रही। हालांकि इस पश्चिमी रिंग रोड में कुछ किसानों के खेत भी आ रहे हैं जिसके लिए भी सूची बनाई जा रही। तो पश्चिम रिंग रोड की योजना तो पुरानी है, अभी हमने उसको आईडीए को वहाँ स्कीम डालने के लिए बोला है। आईडीए जमीन उपलब्ध करा रहा है, उस पर रोड बनने की जो बात है वो एनएच रोड बना राशि एनएच देगा, जमीन हम उपलब्ध कराएंगे। उसमें हमने ये आग्रह किया है कि उस रोड में जहाँ तक अधिक से अधिक शासकीय भूमि का उपयोग होना चाहिए, इसलिए आग्रह किया है कि थोड़ा सा अलाइनमेंट में उसमें विचार कर ले। अधिकतम शासकीय भूमि जो आसपास छुटी है उस पर यदि वो अलाइनमेंट चले जाए तो किसानों को दिक्कत नहीं होगी और वो हो जाता है तो फिर आईडी उसके इसमें डालेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।